एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे का निशान है उसको भी बजा दें ताकि नोटिफिकेशन एज यूजुअल आपके साथ के सामने अर्लीस्ट पहुंच जाए। आज यहाँ पर एक शेयर करेंगे, छोटी सी स्टोरी है कि एक गांव में बाढ़ आ गया। बाढ़ मतलब ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि बाढ़ की उस कितनी ज़बरदस्त तबाही होती है, सारे गांव वाले लोग छोड़कर उस गांव को जाने लगे। सब लोग जब जाने लगे, ऑलमोस्ट सब छोड़कर चले गए, एक उसमें सिर्फ जो पंडित जी थे जिनकी भगवान में अटूट आस्था थी वो रह गए। गांव के लोगों ने उनको भी कहा कि भाई चलिए, यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा है, फ्लड में आप डूब जाएंगे, चलिए इस गांव को छोड़कर चला जाए। उन्होंने कहा कि भगवान हमें बचाएगा, उन्होंने कहा कि भगवान हमें बचाएगा। बाकी गांव वाले टोटल जितने भी थे सब के सब चले गए वहाँ से। फिर वहाँ से उन लोगों को रहा नहीं गया कि भाई गांव का एक आदमी रह गया है, उन्होंने जीप भेजी वहाँ से, और जीप भेजी तो जीप उनके घर तक जब पहुँची तब तक बारिश का पानी जो है उसका लेवल बढ़ चुका था और वो अपने फर्स्ट फ्लोर पर वो चढ़ चुके थे। नाव पर जो सवार नाविक थे उन्होंने कहा कि अरे महाराज इधर आइए, इस घर सारे गांव के लोग जा चुके हैं, सिर्फ आप बचे हैं यहाँ पर, क्यों आप अपनी जान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम वापस जाओ, भगवान हमारी रक्षा स्वयं करेगा। तुम लोग यू आर वरीड, लेकिन भगवान हमारी रक्षा जो है वो स्वयं करेगा, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर वो नहीं ही गए, लास्ट में वो जीप वहाँ से वापस हो गई। पानी का लेवल ग्रेजुअली बढ़ता हुआ जब उनके फर्स्ट फ्लोर तक गया तो वो छत पर चढ़ गए। छत पर चढ़ गए उसके बाद अब वहाँ पे नाव आती है, लोगों को रहा नहीं गया कि भाई गांव का सब आदमी बच जाए और एक आदमी डूब जाए, तो उन्होंने नाव को भेजा। नाव ने भी सेम उनसे कहा, क्वेश्चन कहा कि भाई आप चलिए, महाराज जी चलिए, पंडित जी क्यों आप यहाँ पर जान दे रहे। गाँव के लोग बोले कि नहीं, भगवान में हमें अटूट आस्था है, भगवान हमें बचाएंगे। उसके बाद भी वो तैयार नहीं ही हुए, लास्ट में वो नाव भी वहाँ से लौट कर चली गई। अल्टीमेटली जब वाटर्स लेवल काफ़ी बढ़ गया, देन हेलीकॉप्टर की मदद के लिए स्पेशली उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर को भेजा गया। जब हेलीकॉप्टर उनके करीब वो रोप को उन्होंने गिराया और कहा कि पंडित जी इसको पकड़ कर आप ऊपर आ जाइए वरना आप बह जाएंगे, उन्होंने फिर वही जवाब को रिपीट किया कि भाई रक्षा भगवान हमारी रक्षा करेगा, डोंट टेंशन, इतना टेंशन मत लो, भगवान रक्षा हमारी स्वयं करेगा ही करेगा, आप लोग जाइए यहाँ से। बहुत रिक्वेस्ट उस हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू टीम ने कहा कि भाई आप चलिए, लेकिन वो तैयार अल्टीमेटली नहीं हुए। खैर रिजल्ट ये हुआ कि बारिश का पानी बढ़ता गया और वो पंडित जी उसमें डूब कर अल्टीमेटली मर गए, बाकी सारे के सारे गाँव वाले सेफ हो गए। जब वो मरकर ऊपर गए, भगवान के पास गए, तो भगवान से उन्होंने काफ़ी नाराज़, काफ़ी गुस्सा होकर पूछा कि जब हमको आप में इतना अटूट विश्वास था कि आप मेरी मदद करेंगे, तो आपने हमारी मदद क्यों नहीं की। तब भगवान वहाँ से कहते हैं, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तुम्हारे पास जीप किसने भेजी थी, तुम्हारे पास नाव किसने भेजी थी, तुम्हारे पास लास्ट रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर किसने भेजा था, वो मैंने ही भेजा था ना, तुमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं की। तो इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। हमें भाग्यवादी नहीं होना है, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना ही है। जब हम कर्म करेंगे देन हम रिजल्ट की उम्मीद लगा सकते हैं, विदाउट कर्म किए हुए हम ये करेंगे कि हमें मिल जाएगी, इट्स इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ये छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी इबरत मिलती है कि हमें तो कोशिश करना ही करनी है, साथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने नज़र आती है उसका उपयोग करना है। अगर वो पंडित जी, अगर इस चीज़ का जितनी चीज़ उनके पास भेजी गई थी, जीप भेजी गई थी,
उसके बाद नाव थी, हेलीकॉप्टर से अगर वो चीज़ का इस्तेमाल कर लेते तो डेफिनेटली वो उस चीज़ से, वो फ्लड से अब आउट हो जाते, वो सेफ हो जाते, रेस्क्यू हो जाते। लेकिन उन्होंने तो एक रिजिट को बांध दी थी, भगवान हमारी मदद करेंगे। करेंगे तभी ना जब आप खुद से हिलेंगे, जब हम खुद से हिलेंगे, जब हम कामयाब होने के लिए ठान लेंगे और लेवल को अपने एक अल्टीमेट पोजिशन पर ले जाएंगे, तो डेफिनेटली वी विल सक्सीड इन अवर लाइफ। थैंक्स फॉर बींग विथ मी, हैव अ नाइस डे।